छत्तीसगढ़ में डेंगू बुखार एक नई मुसीबत लेकर आया है। रायपुर शहर की बात करें तो डेंगू अब जानलेवा हो चला है, जिसमें पिछले दिनों समता कॉलोनी में 43 वर्षीय महिला की डेंगू से मौत हो गई। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। परिजनों ने बताया कि बुखार आने के बाद जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां लगातार प्लेटलेट्स कम होते गए। बता दें कि रायपुर में पिछले 20 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में डेंगू के 375 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 313 अकेले रायपुर के ही हैं। ऐसे में महापौर एजाज ढेबर ने एक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए पानी को इकट्ठा होने से रोकना होगा, इसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। डेंगू में भी लगातार हम विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, पानी खाली कराने के लिए अलग टीम बनी हुई है, फाइन भी हम लोग ठोक रहे हैं कि लोगों के ऊपर फाइन भी ठोका जाए। तो जितना रायपुर नगर निगम काम कर सक रहा है उतना काम कर रहा है, क्योंकि अभी हमारी अकेले की जवाबदारी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की भी जवाबदारी है। जब अच्छा करो तो स्वास्थ्य विभाग बोलता है, जब बुरा हो तो रायपुर नगर निगम के ऊपर डाल देता है, तो ये ऐसा नहीं है।